जय हिंद टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. ऑन बिहाफ ऑफ अन अकेडमी डिफेंस मेंटर आई वेलकम यू ऑल आउट हियर. एंड टू स्टार्ट विद आई विल विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी दिवाली. आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि एसएसबी में किस बेसिस पे एक कैंडिडेट को चुना जाता है. अब जो बेसिस हैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि जब हम सिविल वर्ल्ड में जाते हैं, व्हेन वी गो फॉर ए इंटरव्यू इन द सिविल वर्ल्ड, तो एचआर जो है सम रिक्वायरमेंट्स देता है कि इस पोस्ट के लिए हमें ऐसा आदमी चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए. एंड बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया जो सिलेक्शन टीम होती है वो सिविल वर्ल्ड में आपको सिलेक्ट करती है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए. इसी तरीके से आर्म फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड हो, हमें ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये दी हैं DIPR ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने. ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. तो हर कैंडिडेट में, इन एवरी कैंडिडेट, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो GTO हो या वो IO हो, हर कैंडिडेट में ही लुक्स फॉर दीज क्वालिटीज. सो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर 15. और ये सारी क्वालिटीज हम देखते हैं एज एन असेसर, वेदर यू आर ए GTO, IO और ए साइकोलॉजिस्ट इन ए पर्टिकुलर कैंडिडेट. Based on this, you are selected or you are not selected. Okay? For the defense forces. क्योंकि ये हमारी officers को recruit करने की जो process है उसकी ये हमारी requirements हैं कि आपको इन पर खरा उतरना है. You have to qualify these qualities. Then only can you become an officer. अब ये qualities को हमने basically चार factors में बांटा है, और चार फैक्टर्स में बांटने के बाद टोटल क्वालिटीज जो निकल के आती हैं वो 15 हैं. वी हैव डिवाइडेड दिस ऑफिसर लाइक क्वालिटी इनटू 4 मेजर फैक्टर्स एंड देयर आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. ओके, दीज फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन आर ह्यूमन बॉडी. ओके, फैक्टर 1 डील्स विद आर माइंड. बिकॉज we are looking at a complete prospect. So firstly, we deal with your mind. Okay. The factor 2 is the one which deals with your heart. Okay. Factor 3 is the one which deals with your... Factor 3 deals with your guts. And factor 4, aapke lips se concerned. So in charon factors ko mila ke nikalti hai 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज. और आपका जो जजमेंट है इन्हीं क्वालिटीज पे कर रहे हैं तीनों असेसर्स. व्हाट आर दीज क्वालिटीज, लेट अस सी व्हाट आर दीज क्वालिटीज इन टोटो ऑल द 15. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. ये हमारी 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं. 1, 2, 3 एंड 4 इनको हम कहते हैं फैक्टर 1, या कह लो आप दे हैव टू डू समथिंग विद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज डीलिंग विद योर माइंड, योर प्लानिंग, योर ऑर्गेनाइजिंग, इन सब चीजों से डील करती है. और ये सब आप कहां कर सकते हैं, कहां से करते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, अपने दिमाग से करते हैं. तो इट डील्स विद योर हेड. फैक्टर 1, लाइक आई सेड, इट डील्स विद योर हेड. ओके, सो इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो, आपकी रीजनिंग एबिलिटी हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो या ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो, ये चार फैक्टर आपके दिमाग से काम करते हैं. आज जो है डिटेल में हम इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ऑल 15 क्वालिटीज के बारे में बताना चाहूंगा. ऑफिसर लाइक क्वालिटी नंबर 5, 6, 7 एंड 8, दे आर कॉल्ड सोशल एडजस्टमेंट. ओके, दीज डील विद सोशल एडजस्टमेंट. दीज क्वालिटीज डील विद सोशल एडजस्टमेंट. इन चारों में आता है सोशल अडैप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये चारों चीजें अगर आप देखो, दे डील विद योर हार्ट. कैसे?
ये हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे इन डिटेल। आज मैं आपको इनके बारे में सिर्फ बता रहा हूं कि ये क्वालिटीज होती हैं। अगले सेशन में हम आपसे इन चारों क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर 3 जो आपके गट से मैंने कहा इन्वॉल्व होता है, इट इज एसोसिएटेड विद योर गट्स। इसमें आती हैं अगेन चार क्वालिटीज। दीज क्वालिटीज आर इनिशिएटिव, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, योर स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन, ओके, एंड योर लाइवलीनेस। ये सारी चीजें गट से हैं, मैं ये करूं या ना करूं, शुड आई टेक द इनिशिएटिव और नॉट, ओके, एंड लाइवलीनेस। तो सोशल इफेक्टिवनेस होने के लिए अगर एक आपको अच्छा बनना है तो यू हैव टू बी लाइवली। सो दीज ऑल्सो वी विल बी डीलिंग इन अ सब्सिक्वेंट क्लासेस। फैक्टर 4 विच गोज विद द लिब्स इज डिटर्मिनेशन। आप घबरा तो नहीं गए किसी चीज से, आप घबरा तो नहीं रहे किसी चीज से, इट डील्स विद योर लिब्स। तो डिटर्मिनेशन, देन कम्स योर करेज। अगर आप, कई बार क्या होता है किसी सिचुएशन को देख के हम डर जाते हैं और हमारे पैरों में, हमारे बॉडी में क्या आ जाती है, कपकपाहट आ जाती है। करेज, दिस इज जस्ट टेलिंग यू करेज, वी विल बी डीलिंग इट सेपरेटली, आई विल टेल यू करेज डजंट ओनली बिलीव इन द करेज, फिजिकल करेज, देर आर मैनी मोर टाइप ऑफ करेज, ओके, सो वी विल बी डीलिंग विद देम सब्सिक्वेंटली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टैमिना, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस फोर्सेज। तो ये सब 15 क्वालिटीज हैं जो आपका GTO हो, IO हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ये तीनों इंडिविजुअली आपको इन क्वालिटीज के लिए चेक करते हैं। और वो इंडिविजुअली चेक करते हैं, दे डोंट डिस्कस अबाउट यू टिल दे मीट इन द कॉन्फ्रेंस। ये उनका अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है आपके बारे में बेस्ड ऑन दीज क्वालिटीज। एक आप वहां पे, हम कहते हैं एक बोल के आपसे बात कराता है, दैट इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो आपसे डिस्कशन करता है। एक आपसे फिजिकल प्रैक्टिकल काम करके कराता है, दैट इज योर GTO, और एक आपके दिमाग से, मन सा, ओके, दिमाग से। तो हम कहते हैं मनसा, वाचा और कर्मा, ओके, कर्मा इज GTO, वाचा इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड मानसा इज साइकोलॉजिस्ट। तो ये तीनों इंडिविजुअली आपको इन्हीं क्वालिटीज के लिए कर रहे हैं। आज जैसा कि मैंने कहा था, आई विल डील ओनली विथ फैक्टर 1, आई विल डील विथ फैक्टर 1, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कभी कभी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को हम 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को ऊपर ले लेते हैं, बट 1 अप एंड डाउन विल नॉट मेक ए डिफरेंस, ओके, दे ऑल कम अंडर फैक्टर 1। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। 1 by 1 आई विल बी टेकिंग इट विद यू नाउ। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज नथिंग एल्स, डू यू नीड, जब आप कोई काम करते हैं, डू यू नीड हेल्प? अगर आप हेल्प ले रहे हैं किसी की, तो आप में इफेक्टिव इंटेलिजेंस थोड़ी कम है। आप इंडिविजुअली अलोन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन इंडिविजुअली निकाल लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, देन मीट्स योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज गुड। बगर अगर आप हर टाइम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो सॉल्यूशंस के लिए, देन योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज डाउटफुल। दैट मींस एबिलिटी टू इन्वॉल्व सॉल्यूशंस टू ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विदाउट वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड हेल्प यू। जैसे आप पजल कर रहे हैं, इफ यू, अब आप कैसे अपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं? अब आप पजल कर रहे हैं, अगर आप पजल इंडिविजुअली करें, यू आर इंक्रीजिंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस।
इफ यू आर सॉल्विंग क्यूब यू आर इंक्रीज यू डोंट नीड एनीबडी हेल्प टू सॉल्व द क्यूब देन यू आर इंक्रीजिंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस दैट मीन्स विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर एंड गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस बिना किसी बाहर के आदमी की या किसी दोस्त की या भाई बहन की मदद लिए बिना आप किसी छोटी और सिंपल प्रॉब्लम्स का सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से डिपेंडिंग ऑन योर एज निकाल सकते हैं दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस ओके इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अब आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल जो आप करते हैं वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस में ही आता है बाय प्रैक्टिस आप पजल सॉल्व करो आप अपनी सीरीज के टेस्ट करो आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल करेंगे तो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ेगी आप पजल्स करेंगे आप अगर जैसे मैंने कहा रूबिक क्यूब करेंगे तो दिस ऑल विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस नेक्स्ट कम रीजनिंग एबिलिटी नेक्स्ट कम्स इज रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी में सबसे बड़ी बात है कि आप कितना क्वेश्चन करते हो किसी काम को करने से ओके दैट मींस अगर आप फॉर आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल रीजनिंग एबिलिटी का आपने टेंथ पास करी आप ट्वेल्थ में जा रहे हैं इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ कर रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू टेक साइंस सो यू मस्ट आस्क वाई शुड आई टेक साइंस अब आप क्या कर रहे हो अपने आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यू आर आस्किंग वाई एंड दिस वाई प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस वाई प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल यू आर इंक्वायरिंग इन नेचर तो जब आप इनका आंसर ढूंढते हो तो आपका क्या कर रहे हो आप यू आर फाइंडिंग ए रीजन टू डू समथिंग एंड कम टू ए फाइनल सोल्यूशन अब आपने सोचा कि मैं टेंथ में साइंस लूं या नहीं लूं लूं अब आप पूछ रहे हो वाई शुड आई टेक साइंस अब आपने देखा आई शुड टेक साइंस बिकॉज आई हैव गॉट मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 98% इन मैथ एंड 97% इन साइंस दैट मीन्स आई एम वेरी गुड इन मैथ्स एंड साइंस सो आई मस्ट टेक सो दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग ओके दिस इज अ रीजन बिकॉज यू हैव गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस आपके अच्छे नंबर आए हैं मैथ्स देयरफॉर यू शुड टेक अब आपने ट्वेल्थ कर ली नाउ यू वॉन्ट टू गो फॉर इंजीनियरिंग Now again you can ask the same, what type of engineering, which engineering, what should I do? Should I join armed forces or should I go for engineering? Should I do engineering through armed forces? Ab kya kar rahe ho? Haan yaar, agar main, if I go to the armed forces and I might do my engineering from 10 plus to tech, so I achieve my aim, I am doing my engineering, I am also doing my childhood dream of joining the armed forces. This is logical and reasoning. So, you are finding solution to simple and complex situations by asking and reasoning yourself and coming to a conclusion. Let's go to quality number 3, that is organizing ability. Ab organizing ability jo hai, how you can organize a particular event or anything in your life. Ab apne aap ko organize kaise karte hain? अब ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आप सब में है और इसमें क्या होता है आप अपने सारे रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं व्हेन आई से ऑल ऑफ अस हैव द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस इट एट टाइम्स लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल डोंट यू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ योर ब्रदर और योर एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स सो व्हाट डू यू ऑर्गेनाइज इट ना इट नीड्स लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग An organizing thing. For that, what do? You make a list, you plan कि भाई मेरे पास कितनी मैन पावर है कितने मेरे रिसोर्सेज हैं इनको मैं कैसे यूज करूंगा और आप प्लान करते हैं You plan it. Organizing ability में हम हर इवेंट को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं कुछ काम हम इवेंट से पहले कर लेते हैं कुछ काम हम ड्यूरिंग द इवेंट करते हैं कि जिस दिन इवेंट होगा और कुछ काम इवेंट हो जाने के बाद करते हैं बर्थडे से पहले हम कुछ चीज़ें प्लान करते हैं किसको बुलाऊंगा कौन डेकोरेशन देखेगा खाने में क्या होगा रिटर्न गिफ्ट्स क्या होगी और उसमें क्या करते हैं आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं तो ये आपने क्या करा बिफोर द इवेंट किस दिन करेंगे कहाँ करेंगे किस किस को बुलाएंगे कौन क्या देखेगा पापा ये देखेंगे भाई ये देखेगा बहन ये देखेगा बिकॉज मम्मी का तो बर्थडे है
बर्थडे वाले दिन डैड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्मॉल ईट्स एंड ड्रिंक्स, दीदी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग द गेस्ट, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कि एवरीथिंग विच इज डेकोरेशन एंड ऑल हैज बीन डन इन टाइम, और एंड में सो दिस इज ऑल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. थैंक यू टू एवरीबडी. गिविंग द रिटर्न गिफ्ट्स, क्लीनिंग द हाउस अगेन और द वेन्यू, सेइंग थैंक यू, पेइंग द बिल्स इफ यू हैव बुक्ड अ वेन्यू आउटसाइड, दीज ऑल आर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ए गुड रिजल्ट. मतलब आपने एक चीज ऑर्गेनाइज कर ली, अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा आप घर में छोटे छोटे इवेंट कर सकते हैं, आप अपने इस कॉलेज में या अपनी कॉलोनी में आप छोटे छोटे मैच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप स्कूल में हैं कॉलेज में छोटे छोटे इवेंट्स, टीचर्स डे, फ्रेशर्स डे, ओके, आप ये सब चीजें अपना ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी करें तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी. पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक इंसान की वो एक्सप्रेशन है कि आप कितने आसानी से अपनी बात को दूसरे इंसान को समझा सकते हैं. हाउ कंफर्टेबली आर यू एबल टू पुट अक्रॉस योर थॉट प्रोसेस टू द अदर पर्सन विदाउट एनी डिटोरेशन. जब आप उसको बोले तो वो वही समझे जो आपने कहा है. देर इज नो एम्बिग्यूटी, देर इज नो डाउट, ही अंडरस्टैंड सिंपली द सेम वे, द वे यू आर टेलिंग इट. सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. इसको भी आप डेवलप कर सकते हैं. आप इसके लिए सबसे बड़ी बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को कि हम आज हम इस बारे में बात करेंगे. और पावर एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी बात क्या, अगर आपको नॉलेज होगी सो रीड लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, रीड लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस में अगर आप अच्छे हैं तो आपको क्या होगा, यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट विद लार्ज अमाउंट ऑफ एम्फेसिस एंड पीपल विल अंडरस्टैंड यू. अब आप जब अच्छे से उन्हें समझा पाएंगे, आप अपनी बात को पुट अप कर पाएंगे, सो यू विल बी एबल टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट loud and clearly and they will accept it also. So gentlemen, today we have covered factor one, all the four factors of factor one we have covered today, and in subsequent classes I will cover factor two, factor three and factor four. So aaj humne padha factor one, planning an organization, jisme humne padha effective intelligence, reasoning ability, organizing ability and power of expression. With this, in case you have any doubt, please put it up in your comment section. We will take it up and give you a solution to your queries and questions. Thank you very much. Jai Hind, and I wish you all once again a very happy Diwali to all of you. Thank you very much.